हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लेके आए हैं एनटीए अभ्यास ऐप में जो मॉक टेस्ट हैं फुल सिलेबस के, उनके सिलेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो ये जितने भी इससे पहले हो चुके हैं टेस्ट पेपर्स के डिस्कशन, वो आप ज़रूर देखें, आपको गारंटीड फ़ायदा होने वाला है। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो आगे चलते हैं, सबसे पहला सवाल हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि एक सर्टेन आरसी सर्किट है और उसको फॉर्म किया जाता है बाय यूजिंग अ रेजिस्टर, अ कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक हैविंग अ कैपेसिटेंस ऑफ 2 फैरेड एंड अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 3 वोल्ट। तो हमारे पास कुछ सिस्टम इस तरीके से है कि एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दिया है आपको 2 फैरेड के बराबर, यहाँ पे एक 3 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है और एक अननोन रेजिस्टर आर लगाया गया है। अब आगे ये कहते हैं क्वेश्चन में कि सर्किट इज कंप्लीटेड एंड इट्स अलाउड टू अटेन द स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट अचीव करने दिया जाता है, तो हम जानते हैं कि स्टेडी स्टेट जब आ जाएगी तो ये कैपेसिटर जो है फुली चार्ज हो जाएगा और कैपेसिटर के ऊपर जो आने वाला चार्ज है वो हो जाएगा चार्ज क्यू इज इक्वल टू सी वी। आ जाएगा आपके पास 2 × 3 = 6, आपको मिल जाएगा 6 कूलम के बराबर चार्ज यहाँ पे। अब इस कैपेसिटर की एनर्जी भी आप एडवांस में निकाल लीजिए कि इस कैपेसिटर की एनर्जी जो है U1 के बराबर मैं कह देता हूँ। कैपेसिटर की एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या है, Q² / 2C। तो इसके ऊपर चार्ज है 6² / 2 × 2, तो आपको मिल जाएगा 36/4, आपको मिल जाएगा 9 जूल। 9 जूल के बराबर एनर्जी इसमें स्टोर्ड है इस कैपेसिटर के अंदर। अब ये क्या कहते हैं कि आफ्टर दिस at t = 0, अब हम टाइम जो है काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। हाफ द थिकनेस ऑफ द कैपेसिटर इज फिल्ड विद अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 इन द एज शोन इन द फिगर, द सिस्टम इज अगेन अलाउड टू अटेन अ स्टेडी स्टेट, व्हाट विल बी द हीट जनरेटेड इन जूल इन द कैपेसिटर बिटवीन t = 0 to t = ∞। अब हम क्या करते हैं, इस कैपेसिटर के दो पार्ट करते हैं और एक पार्ट में जो है हम डाइलेक्ट्रिक फिल कर देते हैं। तो अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हमारे पास दो कैपेसिटर हैं, दो छोटे छोटे कैपेसिटर हैं, वो उनमें से एक में डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, दूसरे में डाइलेक्ट्रिक नहीं है और ये दोनों आपस में सीरीज में हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि हमारे पास इस 2 फैरेड कैपेसिटर के आप दो भाग कर दीजिए, 2 फैरेड कैपेसिटर के आप दो इक्वल पार्ट कर देंगे तो हर एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा, 4 फैरेड और 4 फैरेड के बराबर। अब हमने इस आधे कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक भर दिया है, हम जानते हैं डाइलेक्ट्रिक भरने पर डाइलेक्ट्रिक, तो ये जो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है वो k टाइम्स हो जाता है, तो ये इसमें k की वैल्यू 2 यदि हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो यानी कि हमारे पास अब 8 फैरेड का कैपेसिटर ये है और 4 फैरेड का कैपेसिटर ये है, दोनों सीरीज में लगे हुए हैं और यहाँ पे एक बैटरी लगी है अगेन 3 वोल्ट की और यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा है 8 ओम का और फिर से इसे स्टेडी स्टेट अचीव करने दिया जाता है। तो यहाँ पे मैं स्टेडी स्टेट में चार्ज निकाल सकता हूँ, टोटल चार्ज कितना इस पे आया होगा, टोटल एनर्जी स्टोर कितनी होगी, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड U2 = चार्ज कितना आया है Q² / 2 × C equivalent। सही बात है। अब पहले आप C इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, इसका और इसका इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, ये 8 फेरेड है, ये 4 फेरेड है, सो 32/12 तो 8/3, सो सी इक्विवेलेंट आपको मिल जाएगा यहाँ से 8/3 माइक्रो फेरेड के बराबर। और टोटल चार्ज इस पर कितना आ जाएगा, इस पूरे सिस्टम पर कितना चार्ज आ जाएगा, Q = CV, सी इक्विवेलेंट कितना है 8/3 × 3 = 8 कूलम। तो मैं फाइनल एनर्जी बता सकता हूँ इस पूरे सिस्टम के पास कितनी स्टोर्ड हो चुकी है, पूरे सिस्टम के पास स्टोर्ड एनर्जी कितनी है बताइए, Q² / 2C, 8/3, 8 से चला गया 8, 2 से चला गया 4, आपको मिल जाएगा यहाँ से 12 जूल के बराबर। और इस प्रोसेस में यहां से लेके यहां तक इस पुरानी स्टडी स्टेट से नई स्टडी स्टेट में आने में कितना चार्ज सप्लाई हुआ है बैटरी के द्वारा, तो मैं कह सकता हूं पहले बैटरी ने 6 कूलम चार्ज सप्लाई किया था और अब यहां पे टोटल चार्ज 8 कूलम के बराबर है, तो बैटरी के द्वारा जो चार्ज फ्लो हुआ है मैं कह सकता हूं Q flown = आपको मिल जाएगा यहां से 8 कूलम - 6 कूलम = 2 कूलम। तो वर्क डन बाय बैटरी में निकाल सकता हूं, वर्क डन बाय बैटरी = बैटरी का ईएमएफ कितना है E के बराबर, 3 वोल्ट के बराबर, और इसमें चार्ज कितना फ्लो हुआ है 2 के बराबर। तो मैं यहां से लेके यहां तक
t = 0 से t = infinity के बीच में मैंने वर्क डन बाई बैटरी निकाल लिया है, कितना आ गया आपके पास 6 जूल के बराबर। अब आप यहां पे फॉर्मूला लगा सकते हैं हीट का। हीट का फॉर्मूला होता है कि वर्क डन बाय बैटरी माइनस इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर्स, ये फॉर्मूला होता है। तो वर्क डन बाय बैटरी हम निकाल चुके हैं 6 जूल के बराबर है माइनस इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, बाद में एनर्जी 12 जूल के बराबर हो चुकी है दोनों कैपेसिटर्स की, और यहां पे कैपेसिटर की एनर्जी 9 जूल के बराबर थी। क्या लिख सकता हूं मैं, 12 माइनस 9। तो यहां से आपको मिल जाएगा 6 - 3 = 3 जूल के बराबर। इतना अमाउंट जो है एनर्जी वो हीट की फॉर्म में बाहर निकल चुका है। तो आंसर हमारे पास मिल जाएगा 3 जूल के बराबर। तो अच्छा सवाल था, बहुत ही क्लासिक है, बहुत अच्छा सवाल था, मैं कहूंगा बिल्कुल जेई मेन सवाल है, ये जेई मेन लाइक सवाल है। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे पास है, अ रिंग ऑफ मास स्मॉल एम इज फ्री टू स्लाइड ऑन अ फिक्स्ड स्मूथ हॉरिजॉन्टल रॉड इज अटैच्ड टू अ पार्टिकल ऑफ मास कैपिटल एम के जी, और कैपिटल एम दिया है 2m के बराबर, बाय एन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l, इनिशियली बोथ m एंड m आर रेस्ट, स्ट्रिंग इज वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v नॉट दी जाती है पार्टिकल को, मैक्सिमम हाइट अप टू व्हिच ब्लॉक विल राइज विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियल पोजीशन। सवाल कुछ ऐसा है, ध्यान से सुनिए। हमारे पास एक रॉड है जो स्मूथ है, इस स्मूथ रॉड के अंदर एक रिंग जो है वो यहां पे हमने पो दी है, रिंग जो है यहां पे घुसा दी है। अब रिंग इस वायर के ऊपर स्मूथ तरीके से मूव कर सकती है, ये रिंग का जो मोशन है इस डायरेक्शन में बिल्कुल पॉसिबल है आराम से, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी एनर्जी लॉस के ये हो सकता है मोशन इस डायरेक्शन में इस रिंग का। अब इस रिंग से एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग लटका दी गई है एक 2m मास के ब्लॉक से। तो हमारे पास सिस्टम कुछ ऐसा है, ये हमारे पास रॉड है स्मूथ, ये एक रिंग है, रिंग का मास m है, यहां वर्टिकल स्ट्रिंग से एक 2m मास का ब्लॉक लगा दिया है m और 2m, और इस 2m मास के ब्लॉक को वेलोसिटी दी जाती है v नॉट के बराबर। अब देखिए होगा क्या, यहां पे ये जो वायर, ये जो आपके पास ब्लॉक है ये जाएगा आगे की तरफ, लेकिन क्योंकि यहां रस्सी से बंधा है तो इसका जो पाथ है वो कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है इसका पाथ, ये ब्लॉक जो है कुछ ऐसा हो जाएगा। अब ये जो टेंशन फोर्स है रस्सी का वो इस तरफ लगेगा और रिंग के ऊपर भी टेंशन जो है इस तरफ लगेगा। तो मैं कह सकता हूं कि इस टेंशन का एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ Tx, और इस टेंशन का एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ Tx। तो रिंग के ऊपर जो नेट फोर्स है वो आगे की तरफ है, इसका मतलब ऊपर वाली रिंग भी आगे की तरफ मूव करने लगेगी। इस ब्लॉक के पास वेलोसिटी इस तरफ है और इसके ऊपर जो फोर्स है इस तरफ है, यानी एक्सेलरेशन इस तरफ है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं इस ब्लॉक की जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है, स्पीड जो है वो कम होने वाली है। तो ध्यान से सुनिए क्या हो रहा है, मैं हॉरिजॉन्टल मोशन की बात कर रहा हूं, हॉरिजॉन्टल मोशन, इसकी स्पीड इस डायरेक्शन में कम होती जा रही है और इसकी स्पीड इस डायरेक्शन में बढ़ती जा रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक, अब वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें, ये तो वर्टिकल में मोशन कर ही नहीं सकता है, लेकिन इसके ऊपर जो है फोर्स लग रहा है ऊपर टेंशन के बराबर, टेंशन टी वाई, और नीचे लग रहा है इसके ऊपर फोर्स एम जी के बराबर। तो ऑफ कोर्स फोर्सेस जो हैं ये वेरिएबल फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है, तो ये कुछ हाइट तक ऊपर जाएगा, उसके बाद इसकी वेलोसिटी जो है जीरो के बराबर हो जाएगी। ठीक है, इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और ये और ऊपर नहीं जा सकता है। तो मैं एक इनिशियल सिचुएशन ये ले रहा हूं, इनिशियल सिचुएशन, और फाइनल सिचुएशन मान लेता हूं कि क्या हो रहा है कि ये जो रिंग है ये वेलोसिटी वी से मूव कर रही है, वेलोसिटी v से मूव कर रही है, और ये जो आपका ब्लॉक है ये ऊपर की डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है क्योंकि ये दोनों साथ में जुड़े हैं, तो ये भी वेलोसिटी v से जा रहा है। ये सिचुएशन हो चुकी है फाइनली, और मैं कह सकता हूं ये अपनी लोएस्ट पोजीशन से मैक्सिमम हाइट पर आ चुका है, ये अपनी लोएस्ट पोजीशन से मैक्सिमम हाइट पे आ चुका है। मैं इस डिस्टेंस को कह देता हूं h के बराबर, हमें h की कैलकुलेशन करनी है। तो आपको ये समझना होगा कि कैसे हमने फाइनल सिचुएशन सोच ली है इनिशियल सिचुएशन से, कि ये दोनों जो आपके पास ऑब्जेक्ट हैं ये दोनों के पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी अल्टीमेटली, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी वर्टिकल डायरेक्शन में, इसका मोशन अब जीरो हो जाएगा, बिकॉज यदि मोशन जीरो नहीं होगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, और हमने यही मान लिया है कि यह अब ऊपर नहीं जा सकता है, इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में इस ब्लॉक का मोशन नहीं होने वाला है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन होगा।
ठीक बात। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मैं यहां से लेके यहां तक मैं कह सकता हूं कि पूरे सिस्टम के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं है, पूरे सिस्टम के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं है, तो मैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इस्तेमाल कर सकता हूं। तो पहले जो नीचे वाला ब्लॉक था उसको वेलोसिटी दी गई थी वी नॉट, और प्लस ऊपर वाली रिंग के पास वेलोसिटी थी जीरो। फाइनली जो दोनों है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वी वेलोसिटी से जा रहे हैं, सो 2m इनटू v प्लस m इनटू v, तो यहां से v की वैल्यू आपको मिल जाती है v नॉट बाय 3, 2 v नॉट बाय 3, ये वेलोसिटी आपको मिल जाती है कॉमन। इसके बाद मैं इस्तेमाल करने वाला हूं यहां पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यहां से लेके यहां तक के बीच में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का इस्तेमाल करूंगा। तो आपको यहां पे मिलेगा वर्क डन बाय ग्रेविटी, और तो कोई वर्क डन यहां पे है नहीं, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो ग्रेविटी का वर्क डन देखिए ये ऊपर चला गया है अल्टीमेटली, तो मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ 2m gh इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ इंटू 2m इंटू v स्क्वायर माइनस प्लस हाफ इंटू m इंटू v स्क्वायर। ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है सिस्टम की, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो ये आपके पास है हाफ इंटू 2m इंटू v नॉट स्क्वायर। तो ये आपको यहां पे सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व करें इसको। ये 2m ये 3m, आपको मिल जाएगा 3m by 2 v square, v square कितना हो जाएगा आपके पास 4 v not square by 9, 2 से गया ये 2, 3 से गया ये 3, और ये आपके पास कितना है m v not square, तो आपको मिल जाएगा 1 minus 2 by 3 minus of m v not square by 3, और ये किसके बराबर है minus of 2 m g h। तो यहां से m cancel out हुआ, minus से minus cancel out हुआ, और आपको यहां से h की value मिल जाती है, h is equals to v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6g, तो ये मैक्सिमम हाइट की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जिसमें दिया है एक थिन सर्कुलर प्लेट है, थिन सर्कुलर प्लेट जिसका मास है कैपिटल एम और जिसकी रेडियस है कैपिटल आर, और उसकी डेंसिटी इस तरीके से वेरी होती है, डेंसिटी रो इज इक्वल टू रो नॉट इंटू आर, मैं इसको सरफेस मास डेंसिटी मान रहा हूं, रो नॉट एज कॉन्स्टेंट एंड आर इज अ डिस्टेंस फ्रॉम इट सेंटर। तो आपको बताना क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए सर्कुलर प्लेट का एक ऐसे एक्सिस के अबाउट जो परपेंडिकुलर है प्लेट के लेकिन पास होता है एज से, और वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस फॉर्म में दिया है, तो आपको अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो पहले इस रिंग की, इस डिस्क की, इस सर्कुलर प्लेट की बात कर लेते हैं। ये हमारे पास सर्कुलर प्लेट है, इसका टोटल मास एम है, डेंसिटी वेरिएबल है, तो पहले डेंसिटी की फॉर्म में मास की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मैं एक छोटा सा एलिमेंट यहां पे ले रहा हूं, छोटा सा एलिमेंट यहां पे ले रहा हूं इस तरीके से, ये एक छोटी सी रिंग की फॉर्म में मैंने एलिमेंट लिया जिसका रेडियस है x के बराबर और थिकनेस है इसका dx के बराबर। तो इस छोटी सी रिंग का मास कितना हो जाएगा, देखिए ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इस पतली सी रिंग का मास कितना हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं डी एम इज इक्वल टू इसका डेंसिटी कितना है रो नॉट इन टू एक्स इंटू इसका एरिया कितना है जिस एरिया में मटेरियल भरा है, तो मैं लिख सकता हूं यहां से 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स। अब हम चाहते हैं क्या, हम चाहते हैं कि ऐसी जितनी भी एलिमेंटल रिंग है, ऐसी जितनी भी एलिमेंटल रिंग है जिनकी रेडियस जीरो से लेके, जिनकी रेडियस जीरो से लेके कैपिटल आर के बराबर है, मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनना, मैं उन सारे एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं, उन सारे रिंग रूपी एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं जिनका रेडियस जीरो से लेके कैपिटल आर के बराबर है। यदि आप ये कह देते हैं तो इसका मतलब है कि मैं उन सबका जो मास है उसका समीशन चाहता हूं जीरो से लेके कैपिटल आर, ये इस एक्सप्रेशन का मतलब है। ध्यान से सुनिए कि ये जो एलिमेंट है, ऐसे ही एलिमेंट जो आर इज एक्स इज इक्वल टू जीरो से लेकर एक्स इज इक्वल टू कैपिटल आर तक बन रहे हैं, यानी कि ये 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 एलिमेंट 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 ये सारे एलिमेंट्स के मासेस का समेशन, ये इंटीग्रेशन का मतलब है। और यही क्या है जी, यही टोटल मास है पूरी डिस्क का, पूरी डिस्क का ये टोटल मास है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं उनको बाहर निकाल दीजिए, रो नॉट इंटू टू पाई x x x स्क्वायर dx, तो हो जाएगा x क्यूब बाई 3, जाएगा आपके पास r क्यूब बाई 3, तो ये मास की वैल्यू आपको यहां पे पता चल चुकी है। अब हमें तो निकालना है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी हम इस तरीके से ही निकालेंगे एलिमेंट मानकर।
तो मैं यहाँ पे इस पूरी डिस्क में एक एलिमेंट ले लेता हूं, एक एलिमेंट लेता हूं यहां से एक्स डिस्टेंस पे, रिंग रूपी एलिमेंट ले रहे हैं। कैसा एलिमेंट है? रिंग रूपी एलिमेंट। अब इस रिंग रूपी एलिमेंट में देखिए, ये एक्सिस है आपके पास, मैं सेंट्रल एक्सिस की बात कर रहा हूं, सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूं। तो इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको लिखना है, तो डी आई लिख सकता हूं, छोटा सा मास डीएम इंटू रेडियस कितना है एक्स स्क्वायर, ये छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि ऐसे जितने भी रिंग रूपी एलिमेंट्स हैं जो यहां से x is equals to 0 से लेकर x is equals to capital R तक बन रहे हैं, जितने भी एलिमेंट्स x is equals to 0 से x is equals to R तक बन रहे हैं, उनके मोमेंट ऑफ इनर्शियास का समेशन वो है इंटीग्रल di, और वही है आपके पास इंटीग्रल ऑफ dm x square। और यहां पे लिमिट रख देंगे, लिमिट का मतलब होता है कि आप कहां से लेके कहां तक का समेशन करना चाह रहे हैं। तो हम कहेंगे यहाँ पे कहेंगे, अभी नहीं कहेंगे, पहले dm की वैल्यू रखिए, dm की वैल्यू है आपके पास rho naught x 2 pi x dx into x square। अब कहेंगे ये जब dx लिखा है इसका मतलब लिमिट x की आएगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 से लेके कैपिटल R, ये निकालना चाह रहे हैं। इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ जितने भी कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको बाहर निकालिए, 2 pi rho naught बाहर निकालिए, rho naught into 2 pi x x square x की पावर 4, x की पावर 4 का इंटीग्रेशन आर की पावर 5 बाय 5 आपको मिल जाता है, और ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रल एक्सिस के अबाउट। अब रो नॉट की वैल्यू यहां से यहां पे पुट कर दीजिए, तो आपको मिलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू रो नॉट की जगह आएगा 3m डिवाइडेड बाय 2 पाई, 3m डिवाइडेड बाय 2 पाई आर क्यूब, और यहां पे सारी वैल्यू लिखिए 2 पाई आर की पावर 5 बाय 5, 2 पाई आर की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5। तो यहां देखिए क्या मिलेगा, 2 पाई से 2 पाई चला गया और आर क्यूब से पावर 3 चली गई, 2 बची हैं पावर, तो आपको मिलेगा 3m आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है पूरी डिस्क का सेंट्रल एक्सिस के अबाउट। अब मैं ये बात जानता हूं कि मान लीजिए आपके पास एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, रैंडम ऑब्जेक्ट है, उसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला एक एक्सिस है जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है, और आप इस एक्सिस के पैरेलल किसी और एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं, तो आप क्या करिए, इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस पता लगाइए, ये आर के बराबर है, और इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच का रिलेशन जो है वो होता है आई इज इक्वल टू आई सी ओ एम विच इज 3/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, तो जाएगा आपके पास 8/5 एम आर स्क्वायर, और आपसे यही पूछा है कि ये अल्फा क्या है, एम आर स्क्वायर के आगे मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, तो हम कहेंगे 8/5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब जो भी बातें यहां पे मैंने बताई हैं वो इस वीडियो को देखने के बाद आपको याद होनी चाहिए, तभी इस वीडियो को देखने का मतलब है कोई, वरना आप बिंज वॉच कर रहे हैं और कोई फायदा नहीं है सीखने का। तो अपना रिटेंशन बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो मैंने चीजें इस्तेमाल करी हैं और उनमें से कोई चीज आपको नहीं आती है तो आप जरूर उसे डाउट सेक्शन में लिख लें, अपने एक पेपर पे लिख लें कि इसमें मुझे डाउट है, इसको मैं अच्छे से थ्योरी पढ़ूंगा इसकी, ठीक है। इसके बाद चलते हैं इस अगले सवाल की तरफ। एक बंदर है, बंदर का मास है 20 kg, होल्ड कर रखी है उसने एक वर्टिकल रोप, और रोप टूटेगी नहीं जब तक कि मास 25 kg उससे सस्पेंड नहीं होता है, ओके, टूटेगी नहीं जब तक 25 kg है मास जो इससे लटका हुआ है, बट टूट जाएगी यदि मास 25 kg से ज्यादा हो जाता है, ठीक है, फेयर है एकदम, रस्सी है 25 kg तक झेल सकती है, 25 kg के बाद नहीं झेल पाएगी, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन विद विच द मंकी कैन क्लाइंब अप अलोंग द रोप, तो मंकी कितने एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ चढ़ सकता है उस रोप के ऊपर, ये हमें बताना है। तो ऊपर चढ़ने में दिक्कत क्या होती है, पहले तो आप इसे फील कर सकते हैं कि यदि मान लीजिए आप एक मंकी हैं, असली के मंकी, आप एक्सेलरेट हो रहे हैं, यानी आप रेस्ट पे हैं और अपना जो है वेलोसिटी स्पीड इंक्रीज कर रहे हैं, तो आप रस्सी को पुश करोगे नीचे की तरफ, रस्सी को पुश करोगे, आप इमेजिन कीजिए आप बंदर हैं और रस्सी को पुश कर रहे हैं और ऊपर की तरफ जो है वो पुश ले रहे हैं रस्सी की हेल्प से। सो मैं मान लेता हूं कि ये बंदर है और बंदर के ऊपर जो रस्सी की वजह से फोर्स लग रहा है लेट्स से टी के बराबर है,
और ये टी 25 किलो वेट यानी 250 न्यूटन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 250 न्यूटन हो सकता है। नीचे की तरफ इसका खुद का वेट लग रहा होगा 200 न्यूटन के बराबर, विच इज एम जी, और इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो है मैं मान लेता हूं एम एक्स के बराबर होगा, और कोई तो फोर्स यहां पे है नहीं। तो बस मुझे इस पर लगाना है न्यूटन्स सेकंड लॉ की इक्वेशन। सो नेट फोर्स इसके ऊपर जो लग रहे हैं 250 - 200 इज इक्वल टू मास कितना है इसका 20, एक्सेलरेशन एम एक्स के बराबर है। सो एम एक्स आपको मिल जाएगा यहां से 50/20 इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको यहां पर मिल जाएगा। This is the maximum value of acceleration with which the monkey can climb up the rope. इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है ये। Let the end error जो है on the left hand side and the right hand side, यानी इस जॉकी के left hand side, right hand side की बात कर रहे हैं, is equal to 1 centimeter for balance point O. Find out the percentage error in the value of x. तो इस unknown resistance के measurement में जो percentage error आ सकता है वो हमें calculate करना है। If the end error is 1 centimeter from both sides, then it means the correct reading will become 10 centimeter + 1 from left hand side and 90 centimeter + 1 centimeter from the right hand side. इसका मतलब जो ये हम measure करते हैं balancing length, इनके measurement में कुछ error है। मेजरमेंट में एरर जो है उसकी आप देखिए कितना ज्यादा एरर है कि 10 सेंटीमीटर आप यदि मेजर करते हैं तो 1 सेंटीमीटर के बराबर एरर आ सकता है। इसका मतलब ये 10% एरर है। और आप याद रखना कि जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एरर का और किसी भी एक क्वांटिटी में एरर 10% से ज्यादा है तो आप डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला आप रिजेक्ट कर देना। डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला से आप सॉल्व करोगे तो उसमें अप्रोक्सीमेशंस होते हैं कि एरर्स बहुत स्मॉल हैं तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो आप याद रखना ये बात हमेशा अपने साथ कि जब भी किसी क्वांटिटी में एरर 10% या 10% से ज्यादा है, 10% के आसपास है, तो उस क्वेश्चन को डिफरेंशिएशन वाले मेथड से नहीं करना है। ठीक है, तो हम इसको करेंगे कैसे कि हम एक बार इस एंड करेक्शन जो है, एंड एरर जो है, इसको साथ में लेके x की वैल्यू निकालेंगे और एक बार बिना एंड करेक्शन को ऐड किए हम x की वैल्यू निकालेंगे और फिर दोनों में डिफरेंस देखेंगे कितना आता है। वही सही तरीका होगा क्योंकि एरर यहाँ पे काफी ज्यादा है। देख सकते हैं 10% एरर है, 10 रीडिंग है तो 11 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है। जब आपके पास इनिशियल वैल्यू छोटी है तो परसेंटेज जो है, तो मतलब जो एक है वैल्यू, जैसे 10 के कंपेरिजन में एक काफी बड़ा है। तो चलिए सॉल्व करें इसको। तो पहले मैं निकालूंगा विदाउट करेक्टिंग द एरर, विदाउट एरर करेक्शन मैं एक्स की वैल्यू निकाल रहा हूं। तो मैं जानता हूं सिंपली ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, मीटर ब्रिज में यही होता है। सो एक्स वन इंटू ये 90 है, ये वैल्यूज आपको दे रखी है यहीं पे, 10 और 90 है, 10 है ये 90 है। सो एक्स वन इंटू 90 इज इक्वल टू 10 × 90। तो आपको एक्स वन की वैल्यू मिल जाती है 10 के बराबर। अब एरर को करेक्ट कर दिया हमने, एंड जो एरर है वो करेक्ट कर दिया। इसका मतलब ये लेंथ 11 सेंटीमीटर है, ये 91 सेंटीमीटर है। दोबारा से मैं कैलकुलेट करूंगा तो आपको मिलेगा x1 into 91 is equals to 11 into 90। तो आपको यहां से x1 की वैल्यू मिल जाती है 11 into 90 divided by 91। अब हमें इन दोनों में एरर निकालना है, इन दोनों में एरर निकालना है। ठीक, तो आप यहां से लिख सकते हैं x1 डैश कह देते हैं इसको, ठीक है, x1 - x1 डिवाइडेड बाय, असल में जो वैल्यू है वो है x1 - x1 × 100। तो ये आप सॉल्व कर लीजिए, आपको परसेंटेज एरर इन x मिल जाएगा, परसेंटेज एरर इन x आपको मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। इफ अ फुली चार्ज्ड कैपेसिटर C With initial charge Q naught is connected to a coil of self inductance L. एक charge capacitor, उसको एक inductor के साथ connect कर दिया जाता है, तो हम जानते हैं आगे क्या होगा, आगे होगा LC oscillation और क्या होगा। तो ये capacitor है और इसमें charge पहले से है Q naught के बराबर और यहाँ पे आपके पास एक inductor है, inductor का inductance L के बराबर है, तो ये LC oscillation करते हैं। LC oscillation का मतलब charge और current की जो values हैं
वो SHM करती हैं, ऑसिलेट होती हैं, और कह सकते हैं कि एनर्जी और ये एनर्जी, इसमें मैग्नेटिक एनर्जी, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एक दूसरे की फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। तो आपको मेन बात जो यहाँ पे याद रखनी है, यदि LC ऑसिलेशन की बात कर रहे हैं और चार्ज पहले से यहाँ है, तो इसके चार्ज के वेरिएशन का जो फॉर्मूला होता है, यानी कि चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होता है, क्यू नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी। और यहाँ पे L की, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो इस इंडक्टर में करंट आपको मिल जाएगा, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू DQ/dt। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए ऊपर वाली इक्वेशन को, तो आपको मिलेगा क्यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। माइनस भी आ रहा है लेकिन माइनस सिर्फ डायरेक्शन दिखा रहा है। तो बस ये हमें मिल गया, हमें बताना है कि जब टाइम बताइए, जब एनर्जी जो है बराबर स्टोर हो जाएंगी दोनों में, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जीज बराबर हो जाएंगी। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, Q2/2C इज इक्वल टू हाफ Li2 हो जाएगा। तब ऐसा हमें काम करना है, ऐसा टाइम बताना है कि जब ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ 2 से 2 चला गया और आपको मिल गया यहाँ से Q2/LC इज इक्वल टू I2। ठीक, तो ये आप लिख सकते हैं Q2 की वैल्यू को, Q0² cos² ωt डिवाइडेड बाय LC इज इक्वल टू I2 को लिख सकता हूँ Q0² ω² sin² ωt। अब देखिए ओमेगा होता है 1/√LC, ये बात भी आप याद रखें, ओमेगा इज इक्वल टू √1/LC, तो ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/LC, तो ओमेगा स्क्वायर से 1/LC कैंसिल आउट हो जाएगा, Q0² से Q0² कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास मिलेगा cos² ωt इज इक्वल टू sin² ωt। और ये कब हो सकता है, जब ओमेगा टी की वैल्यू किसके बराबर हो, π/4 के बराबर हो, यानी कि आपके पास टाइम जो है 1/ω (π/4) के बराबर हो, और ये 1/ω की वैल्यू हो जाएगी √LC, सो दैट मींस π/4 √LC के बराबर टाइम हो जाए। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाता है। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में हमें दिया है कि एक कुकिंग वेसल है और उसको स्लो बर्नर पे रखा गया है, और उसमें रखा है 5 किलो वाटर और अननोन मास ऑफ आइस इन इक्विलिब्रियम एट 0°C। 0°C पे इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम का मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब वाटर का टेम्परेचर भी 0°C है, आइस का टेम्परेचर भी 0°C है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या मिलता है, 5 किलो हमारे पास वाटर है जिसका टेम्परेचर कितना है 0°C, प्लस हमारे पास कुछ एक्स किलो जो है आइस रखी हुई है, आइस का टेम्परेचर भी कितना है 0°C है। ठीक, अब क्या करते हैं कि द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज मेजर्ड एट वेरियस टाइम्स एंड रिजल्ट इज प्लॉटेड एज शोन इन फिगर। ड्यूरिंग द फर्स्ट 50 मिनट मिक्सचर रिमेन्स एट 0°C। फ्रॉम 50 to 60 मिनट्स द टेम्परेचर इंक्रीजेस टू 2°C। नेग्लेक्टिंग द हीट कैपेसिटी ऑफ द वेसल, इनिशियल मास ऑफ द आइस। तो इनिशियल मास आपको बताना है इस ग्राफ की सहायता से। तो यहां आपको एक चीज दी है कि स्लो बर्नर धीमी आंच, मध्यम आंच पे हमने इस कुकिंग वेसल को रखा है। इस मध्यम आंच का मतलब है कि जो एनर्जी सप्लाई की जा रही है, जो हीट सप्लाई की जा रही है DQ/dt, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द बर्नर टू द कुकिंग वेसल इज कॉन्स्टेंट, आपको कॉन्स्टेंट मानना है। तो मैं यहां पे मान लेता हूं कि हीट सप्लाई जो है, हीट सप्लाई रेट जो है वो मान लेता हूं DQ/dt के बराबर है और वो कांस्टेंट है बेटा, ठीक है, वो कांस्टेंट है हीट सप्लाई। अब इसके बाद हमें यहां पे देखना है कि पहले 50 मिनट तक जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट रहने का मतलब है कि फेज चेंज हो रहा है। यहां पे कौन सा फेज चेंज हो सकता है, 0°C पे आइस वाटर में कन्वर्ट हो सकती है। तो मैं यहां पे इस्तेमाल करूंगा कि एनर्जी कंजर्वेशन, कि बर्नर से जो एनर्जी आई है DQ/dt इनटू 50 मिनट्स, इतना एनर्जी आया है बर्नर से, और इस बर्नर से आई हुई एनर्जी ने क्या किया है, इस पूरी आइस को पिघला दिया है, क्योंकि इसके बाद तो टेम्परेचर बढ़ता है, इसका मतलब पूरी की पूरी आइस वाटर में कन्वर्ट हो चुकी है। तो मैं यहां लिखूंगा x इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन which is 80, ठीक, जूल में रखें, कैलोरी में रखें, आंसर सेम ही आने वाला है। अब इसके बाद कहते हैं
कि अब 10 मिनट तक और हीट करने पर पूरे सिस्टम का टेम्परेचर 2 डिग्री से बढ़ जाता है। तो यहां मैं लिखूंगा dQ/dt। अब अगले 10 मिनट में जितना एनर्जी बर्नर से आया है dQ/dt × 10, ये किसके बराबर हो जाएगा, टोटल मास 5+x इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर विच इज 1 और डेल्टा टी का मतलब टेम्परेचर में चेंज विच इज 2। अब यहां पे आप क्या करें, यूनिट्स को समान करने की जरूरत नहीं है, एक सिस्टम मिलाने की जरूरत नहीं है, बस आप इनको डिवाइड कर दीजिए। तो ये जिस यूनिट में है ये इस यूनिट में है, वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये सब आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो dQ/dt कैंसिल आउट हो जाता है और आपको मिलेगा यहाँ पे 0 से 0 गया तो 5/1 इज इक्वल्स टू 80x/10+2x। मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, आपको मिलेगा 50+10x इज इक्वल्स टू 80x। 0, 0, 0 कैंसिल आउट हो गया, 7x इज इक्वल्स टू 5, सो x इज इक्वल्स टू 5/7 किलोग्राम। तो ये आपको आंसर यहाँ पे मिल जाता है 5/7 किलोग्राम के बराबर, ठीक है, समझ गए। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें दिया है एक पार्टिकल है जिसका मास m के बराबर है और उसको प्रोजेक्ट किया जाता है एक एंगल 60 डिग्री पे विद द वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू ग्राउंड। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसको फेंक रहे हैं 20 मीटर पर सेकेंड से 60 डिग्री एंगल बनाते हुए फ्रॉम अ प्लैंक ऑफ सेम मास m व्हिच इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ सरफेस। इनिशियली प्लैंक वॉज एट रेस्ट, द मिनिमम लेंथ ऑफ द प्लैंक फॉर विच द बॉल विल फॉल ऑन द प्लैंक इटसेल्फ। तो यहां पे सिचुएशन कुछ ऐसी है कि एक बॉल को जब हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं 60 डिग्री एंगल बनाते हुए 20 मीटर पर सेकंड 60 डिग्री एंगल से, तो जैसे ही बॉल मूव करती है ये स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ प्लैंक भी मूव करेगा पीछे की तरफ। क्यों मूव करेगा, आप ऐसे समझिए कि ये एक फ्रॉग है, फ्रॉग जंप आपको पता है फ्रॉग जंप क्या होता है, कि हम जो है अपने पैरों को पुश करते हैं ग्राउंड के ऊपर, ड्रैग ऐसे लपेटते हैं ग्राउंड को एक तरीके से, ऐसे ऐसे जैसे मान लीजिए ग्राउंड है तो इस तरीके से हम पीछे की तरफ धक्का देते हैं और हम खुद जो है आगे की तरफ गिर जाते हैं, इस तरीके से उछलते हैं, ऐसे गिर जाते हैं, ये होता है फ्रॉग जंप, है ना, इस तरीके से यहां से पीछे मारा और यहां पहुंच गया, यहां से मारा यहां से, तो ये यहां से इसको पीछे मारेगा और यहां जाके गिर जाएगा, तो ये पीछे की तरफ मूव करेगा। ये बात भी हम समझ गए कि ये जो आपके पास प्लैंक है ये पीछे की तरफ मूव करेगा यदि ब्लॉक ये पार्टिकल जो है आगे की तरफ जाता है तो हमें पहले तो ये कैलकुलेट करना है कि ये पार्टिकल यदि जाता है लेट्स से x के बराबर तो ये कितना पीछे की तरफ जाएगा। और मैं यहां पर कह सकता हूं कि प्रोजेक्टाइल की रेंज r के बराबर ये पार्टिकल जो है आगे की तरफ जाएगा और ये लेट्स से जाता है x के बराबर पीछे की तरफ। मैं इसकी लेंथ मान लेता हूं इस प्लैंक की l के बराबर है और ये जो प्लैंक है ये चला जाता है लेट्स से x डिस्टेंस पीछे, तो हमारा पार्टिकल जो है वो कहां गिरेगा, कहां गिरना चाहिए मिनिमम की बात करें तो यहां पे। तो ये जो डिस्टेंस है ये r के बराबर है और ये x के बराबर है और इस r को लिखा जा सकता है दिस इज l माइनस x। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि पूरा सिस्टम जो है पूरे सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इस प्लैंक और इस पार्टिकल पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा। सो m1 delta x1 + m2 delta x2 मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो लिखूंगा प्लैंक जो है वो माइनस एक्स पीछे गया है प्लस m इंटू जो पार्टिकल है वो l माइनस एक्स आगे गया है, तो यहाँ से इज इक्वल्स टू 0 आपको मिल जाएगा। तो आपको यहाँ से देखिए क्या मिलता है, माइनस ऑफ mx प्लस ml माइनस mx इज इक्वल्स टू 0, 2mx इज इक्वल्स टू ml और यहाँ से आपको मिल जाएगा कि x की वैल्यू जो है वो l बाय 2 के बराबर है, x इज इक्वल टू l बाय 2। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, यहाँ से देखिए r इज इक्वल्स टू l माइनस l बाय 2 और यहाँ से मिल जाएगा l इज इक्वल्स टू 2r। सो 2 times रेंज ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल हमको मिल जाता है प्लैंक की मिनिमम लेंथ। तो यहाँ पर रख दीजिए वैल्यू 2 × रेंज का फॉर्मूला u² sin 2θ / g sin 2θ / 2 sin θ cos θ लिख सकता हूँ,
तो लिख सकता हूं यहां से साइन स्क्वायर यू स्क्वायर टू साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो यहां से दो दो से दो दो कैंसिल आउट हो गए और यहां 440 रूट थ्री आपको यहां पे आंसर मिल जाता है, 40 रूट थ्री आ जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक यूनिफॉर्म वायर है, लेंथ उसकी एल है, मास उसका एम है, स्ट्रेच किया है दो पॉइंट्स के बीच में, कीपिंग अ टेंशन एफ, के बीच में टेंशन एफ के बराबर है, साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू इज इंप्रेस्ड ऑन इट, साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू इज इंप्रेस्ड ऑन इट, देन फाइंड द मैक्सिमम वाइब्रेशनल एनर्जी एग्जिस्टिंग इन द वायर व्हेन म्यू इज इक्वल टू। तो कब हमें मैक्सिमम एनर्जी मिलेगी, वाइब्रेशनल एनर्जी, और उस मैक्सिमम वाइब्रेशनल एनर्जी के कोरिस्पोंडिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी होने वाली है। तो आप ये याद रखें कि जो वैल्यू होती है, जो मैक्सिमम आपको वाइब्रेशनल एनर्जी मिलती है, वो मिलती है जब जब रेजोनेंट जो है स्टैंडिंग वेव उस स्ट्रिंग में बन रही होती है। तो ये मैं मान लेता हूँ आपके पास है रस्सी में जो टेंशन है वो F के बराबर है और इसका जो मास पर यूनिट लेंथ है वो M बाय L के बराबर है। तो मैं यदि बात करूं आपसे कि एक सबसे पहले किस तरीके से स्टैंडिंग वेव बन रही होगी, तो यहां पे लिख सकता हूं लैम्डा बाय टू जो है वो L के बराबर है। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू आप लिख सकते हैं 2L के बराबर है, फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं V अपॉन लैम्डा, लिख सकते हैं V अपॉन 2L, और V को मैं लिख सकता हूं क्या, अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू, अंडर रूट ऑफ एफ बाई म्यू, इसको लिख सकते हैं आप अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू, मास पर यूनिट लेंथ एम बाई एल लिख सकता हूँ, इसको एफ लिख सकता हूँ, और ये आपके पास कितना है 1/2L के बराबर। तो इस एल को अंदर ले जाइए तो आपको मिल जाएगा एफ अपॉन एम एल, और ये 1/2 पे मिल जाता है, ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो आप को जो है सिर्फ यही फ्रीक्वेंसी नहीं, इससे आगे वाली जो फ्रीक्वेंसी है उन पे भी आपको मैक्सिमम वाइब्रेशनल एनर्जी मिलेगी, लेकिन इस सवाल को करने के लिए इतनी भी करने की जरूरत नहीं है, इस सवाल को डायमेंशनल एनालिसिस से किया जा सकता है बड़े आराम से। तो यहां देख सकते हैं कि सबकी डायमेंशन जो है अलग अलग है, सिर्फ यही एक ऐसा ऑप्शन है जिसकी डायमेंशन मैच कर रही है, और यदि डायमेंशन से नहीं करना है तो आप ऐसे याद रखना कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो होती है वहां पे वाइब्रेशनल एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो हमने सबसे जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है उसका इस्तेमाल यहाँ पे किया है और वो मैच हो रहा है डी ऑप्शन से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। फाइंड द क्लोजेस्ट इंटीजर वेवलेंथ ऑफ वैल्यू ऑफ के अल्फा लाइन इन पिकोमीटर इन कॉपर इफ द वेवलेंथ ऑफ के अल्फा लाइन इन आयरन इज नोन टू बी इक्वल टू 193 पिकोमीटर। तो यहाँ जो के अल्फा लाइन की वेवलेंथ है और इसका जो एटॉमिक नंबर है जो हमारा टारगेट मटेरियल है उनके बीच में रिलेशन जो है मोजलेज लॉ की मदद से दिया जाता है, और वो क्या कहता है कि जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है, जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है लेट्स से एफ, वो प्रोपोर्शनल होती है जेड माइनस वन के स्क्वायर के। ये आपके पास के अल्फा लाइन की बात बता रहा हूँ, के अल्फा लाइन के करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो इसके प्रोपोर्शनल होती है। तो वी को लिख सकता हूं मैं F जो है V is equals to F lambda होता है, V is equals to F lambda, तो lambda को लिख सकता हूँ V upon F, lambda को लिख सकता हूँ V upon F, और इस proportionality sign को हटा के आप एक constant लिख सकते हैं, तो लिख सकता हूँ यहाँ पे F, F is V upon lambda is equals to some constant Z minus 1 का square, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो speed है सबके लिए same है, speed सबके लिए same है, medium same है, तो यहाँ से लिखा जा सकता है कि lambda इंटू जेड माइनस वन का स्क्वायर जो है वो कॉन्स्टेंट होने वाला है। तो यहां से कह सकता हूं कि लैम्डा जो है 193 इंटू 26 माइनस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू जो लैम्डा है 29 माइनस वन का स्क्वायर। तो यहां से आपको मिल जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 193 इंटू 25 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 28 इंटू 28। इसको सॉल्व कर लेंगे आपको आंसर लैम्डा का मिल जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल में दिया है सिलेंडर होमोजीनियस रॉड ऑफ लेंथ 2L। ये जेई एडवांस में आ चुका है सवाल और ये इन्होंने मॉक टेस्ट में यहाँ पे दे रखा है। अ सिलेंडर होमोजीनियस रॉड ऑफ लेंथ 2L फ्लोट्स पार्टली इमर्ज्ड इन वाटर बीइंग सपोर्टेड बाय अ स्ट्रिंग फास्टन टू
one of its end as shown in figure. The specific gravity of the rod is 0.36. Find the length of the rod that extends out of the water is K capital L by 10L by 10. Find the value of K. So, हमें यहाँ पे एक रॉड दी है जिसका कुछ पार्ट पानी में डूबा हुआ है और कुछ पार्ट बाहर निकला हुआ है. यहाँ पे रस्सी बांधी गई है और पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है. सिस्टम में इक्विलिब्रियम का मतलब है कि समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ ऑल द टॉर्क्स इज इक्वल टू जीरो. तो हमें बताना है कि कितना पार्ट बाहर निकला हुआ है, बस ये कैलकुलेट करना है. तो मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ आपके सामने, डायग्राम इस रॉड का. और मैं मान लेता हूं इस रॉड का जो एक्स पार्ट है वो बाहर निकला हुआ है और 2L माइनस एक्स जो पार्ट है वो पानी में डूबा हुआ है. तो यहां पे मैं जो है पानी में जो डूबा हुआ पार्ट है उसको मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूं और इसकी लेंथ जो है मान लेते हैं 2L माइनस एक्स है ये जो पानी में डूबा हुआ पार्ट है और इसकी जो लेंथ है वो एक्स के बराबर है जो हवा में लगी, हवा में जो है लेंथ. अब जो टेंशन दिया है, टेंशन इसके ऊपर लग रहा होगा टेंशन टी के बराबर और यूनिफॉर्म रॉड है इसका मतलब इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो पूरा सेंटर में होना चाहिए. तो इस पूरी रॉड का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है वो होगा कहीं यहाँ पे. तो इस ज्योमेट्रिकल सेंटर के ऊपर फोर्स लग रहा होगा एम जी के बराबर और ये लेंथ कितनी होगी, यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है वो मैं कह सकता हूँ एल के बराबर बिकॉज टोटल लेंथ 2L है. तो ये लेंथ होगी L और मैं हॉरिजॉन्टल से एंगल जो है ये थीटा के बराबर मान लूं तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी आपके पास, L cos थीटा के बराबर. और जो ये पार्ट डूबा हुआ है इस पूरे पार्ट पर बायंसी फोर्स लग रहा होगा लिक्विड की वजह से. तो मैं ये कह सकता हूं कि इस वाले पार्ट का जो सेंटर होगा कहीं यहां पर, उस सेंटर को हम कहेंगे सेंटर ऑफ बायंसी और इस सेंटर ऑफ बायंसी पर टोटल जो आपका बायंसी फोर्स है वो लग रहा होगा एफ बी के बराबर, एफ बी के बराबर. और मैं कह सकता हूं कि ये इस पार्ट के सेंटर पे होने वाला है. तो यहां से इसकी लेंथ होगी एल माइनस एक्स बाई टू और यहां से भी इसकी लेंथ होगी यहां से लेके यहां तक एल माइनस एक्स बाय टू. तो यहां से लेके यहां तक जो टोटल लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, दिस प्लस एक्स. तो यहां से इसकी लेंथ मैं कह सकता हूं कितनी हो जाने वाली है, L प्लस एक्स बाय टू के बराबर, L प्लस एक्स बाय टू. और ये हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है लेके यहां से लेके यहां तक ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको मिल जाएगा L प्लस एक्स बाय टू, एक्स बाय टू इंटू कॉस थीटा. तो मैं सबसे पहले कह सकता हूं कि इन तीनों फोर्सेस की उपस्थिति में पूरा सिस्टम रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है. तो इसका मतलब समेशन ऑफ ऑल द टॉर्क्स जो है जीरो के बराबर होना चाहिए किसी भी पॉइंट पर, चाहे मैं इन तीनों फोर्सेस का टॉर्क इसके अबाउट निकालूं, चाहे इसके अबाउट निकालूं, चाहे इसके अबाउट निकालूं, चाहे इसके अबाउट निकालूं, जीरो के बराबर आने वाला है. तो हम टेंशन के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं और टेंशन से रिलेटेड कोई हमको फैक्ट भी नहीं दिया है, तो हम उस पॉइंट के अबाउट ही टॉर्क लिख लेते हैं. तो मैं लिखूंगा यहाँ पे फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक है एल प्लस एक्स बाई टू कॉस थीटा. तो ये फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस में लिख सकता हूं, आपको मिलेगा यहाँ पे एफ बी इंटू एल, एल प्लस एक्स बाई टू इंटू कॉस थीटा. और ये जो है किसके बराबर होना चाहिए, इस एम जी के टॉर्क के, एम जी और इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो एल कॉस थीटा है. तो यहाँ लिखूंगा मैं एम जी इंटू एल कॉस थीटा. तो कॉस थीटा से कॉस थीटा आपस में कैंसिल आउट हो जाता है. तो आपको यहाँ पे मिलेगा, अगले पेज पे लिखूंगा एफ बी इंटू एल प्लस एक्स बाई टू, एल प्लस एक्स बाई टू और जो है किसके बराबर है, एम जी एल के बराबर है, एम जी एल के बराबर है. अब यहाँ पे बायंसी फोर्स की बात करूं तो बायंसी फोर्स को लिखा जा सकता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड की डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी वन, इंटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड, कितना वॉल्यूम सबमर्ज्ड है. तो वॉल्यूम रॉड के वॉल्यूम को लिख सकता हूं मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इंटू लेंथ जो डूबी हुई है पानी में कितनी है, टू एल माइनस एक्स के बराबर. और यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा एल प्लस एक्स बाई टू और आगे आएगा जी. तो रो वॉल्यूम इंटू जी, ये बायंसी फोर्स हो गया और एल प्लस एक्स बाई टू तो यहां लिखा ही हुआ है, इज इक्वल टू एम जी. एम जी को लिखूंगा मैं मास इंटू जी, मास को लिखूंगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ कंप्लीट रॉड.
तो डेंसिटी कितना है 0.36 है इसका डेंसिटी, वॉल्यूम कितना हो जाएगा एरिया इनटू टोटल लेंथ 2L, तो यहां पे आ जाएगा G, तो G से G कैंसिल आउट हो गया है, A से A कैंसिल आउट हो गया है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए यहां पे तो आपको मिलेगा 2L स्क्वायर और प्लस L इंटू एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस L इंटू एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू 0.36 इंटू टू इंटू एल, तो 0.72 इंटू एल आपको यहां पे मिल जाएगा। तो एल एक्स से माइनस एल एक्स कैंसिल आउट हो गया, 2L स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू और यहाँ पे 0.72 L के बराबर है। तो अब यहां पे क्या कर सकते हैं, यहां पे L कैसे रह गया, डेंसिटी लिख दिया, वॉल्यूम लिख दिया, G लिख दिया, एक L और यहां पे भूल गए हैं, तो ये L स्क्वायर हो जाएगा। यहां पे 0.72 L स्क्वायर को यहां ले जाइए तो आपको मिलेगा 2 माइनस 0.72 L स्क्वायर, यहां पे कुछ कितना पार्ट डूबा हुआ है 2L माइनस एक्स, यहां पे x है तो मैंने यहां पे ठीक लिखा है 2L माइनस एक्स और यहां पे L प्लस x बाई टू, 2L स्क्वायर 2 माइनस 0.72 L स्क्वायर इज इक्वल टू आपको यहां पे मिल जाएगा x स्क्वायर बाय 2। कितना आ जाएगा आपके पास, ये 28 और ये 128, सो 1.28 इंटू एल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2। इसको यहां पे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 256 या 2.56, यहां पे कह सकता हूं एल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहां से आप है इसको वैल्यू निकाल सकते हैं x की, एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी 256 डिवाइडेड बाय 100 एल स्क्वायर का अंडर रूट। अब बताइए 256 जो है, 256 कितना होता है इसका स्क्वायर रूट 14 के बराबर, 13 169 14 225 नहीं, ये होगा 12 12 144 14 196 15 225 16 16 जो है इसका होगा ये अंडर रूट स्क्वायर रूट आ जाएगा आपके नीचे 10, ये आपके पास एल है तो उसे गया 8, उसे गया 5, सो 8 L by 5 के बराबर जो अमाउंट है लेंथ जो है वो बाहर निकल रही होगी। तो आंसर हमारा होगा 8L by 5 और हमें दिया है KL by 10 की फॉर्म में, तो आप बराबर कर दीजिए इसे, KL by 10 को बराबर कर दीजिए आप 8L by 5 के, 8L by 5 के, सो 5 से गया है 2 बार, L से गया है L बार, K की वैल्यू आपको मिल गई 16 के बराबर, 16 हमारा आंसर हमें मिल जाता है। ये सवाल जेईई एडवांस में पूछा गया था और इतना मुश्किल नहीं था, यदि आप यहाँ पे फोर्सेस को बैलेंस करने लग जाएं और किसी और अलग पॉइंट के अबाउट टॉर्क जो है हम यहाँ पे बैलेंस कर दें तो हमें एक्स्ट्रा टी मिल जाएगा, फिर टी को एलिमिनेट करना होगा, तो ये सवाल बड़ा हो सकता है, बस इसमें आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। आप हमेशा सोचिए कि मैं बहुत बड़ा आलसी हूँ, मैं सबसे कम कैलकुलेशन करना चाहता हूँ तो कौन से पॉइंट के अबाउट टॉक निकालूँ, थोड़ा सा यदि आप 5 सेकंड 6 सेकंड यदि इसके ऊपर आप देते हैं कि मैं कौन से पॉइंट के अबाउट टॉक निकालूं तो आपकी जो जिंदगी है आसान बन सकती है। तो ठीक सवाल है, ज्यादा मुश्किल भी नहीं था, जेईई मेंस में आने लायक है। ठीक, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, अगला सवाल तो कुछ है नहीं है, तो बस यहीं हमारा लेक्चर खत्म कर रहे हैं। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक करिए वीडियो को, क्योंकि यदि आप लाइक करते हैं वीडियो को तो यूट्यूब हमारा जो कॉन्टेंट है वो पुश करता है और बाकी लोगों की फीड्स में भी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देख पाते हैं। तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।